हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे अपने लैपटॉप को एम्पलीफायर से कैसे इजीली कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा लैपटॉप, ये रही हमारी ऑक्स केबल, ये रहा हमारा एम्पलीफायर। तो ये ऑक्स केबल कुछ अलग तरह की है, जिसमें एक तरफ 3.5 mm जैक रहता है, एक 6.35 mm जैक रहता है। ये जैक हमारा एम्पलीफायर या मिक्सर में लगता है, ये जैक हमारा लैपटॉप के आउटपुट या फोन के आउटपुट में लगता है। तो आइए पहले एम्पलीफायर की तरफ से कनेक्शन कर लेते हैं। ये ऊपर हमारा ऑक्स वन का इनपुट है, इसमें हम इसको लगाएंगे। और ये रहा हमारा लैपटॉप का स्पीकर आउटपुट, जिसमें इस साइड से हम इसको इनपुट देंगे अपने एम्पलीफायर को। तो ये काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ से आउटपुट गया, यहाँ से इनपुट हुआ। ध्यान रखें, हमारे पीए एम्पलीफायर में माइक के भी इनपुट होते हैं, तो माइक के इनपुट में हमको ऑक्स इनपुट कभी नहीं करना है, क्योंकि इन माइक के इनपुट का ऑलरेडी एम्पलीट्यूड या गेन आप जो बोलें काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, उस वजह से आवाज़ डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो ऑक्स को ऑक्स में ही लगाएं। तो आइए हम इसको माइक से ऑक्स पे करते हैं, इधर सॉन्ग अपना इनसेस का प्ले करते हैं। सो गाइस, ये हमने ऑक्स वन के इनपुट में चेक किया था, अब इसको ऑक्स टू के इनपुट में लगाते हैं। इसका वॉल्यूम लो करके वापस इसको माइक पे कर देंगे, एंड यहाँ आपके एम्पलीफायर के बैक पैनल में आकर के इसको ऑक्स वन से ऑक्स टू में इनपुट दे देंगे। ये हमारा ऑक्स टू का इनपुट है। तो ये अपने ऑक्स टू को इसको करते हैं माइक से हटा करके, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं। सो गाइस, आपने देखा कनेक्शन, हमने अपने पी एम्पलीफायर से अपने लैपटॉप को इनपुट कैसे सिंपल इजी वे में किया था। हमने इसमें अपने ऑक्स इनपुट में अपना इसका आउटपुट हेडफोन या स्पीकर आउटपुट जो भी आप बोलें कनेक्ट कर लिया था। यहीं अगर हमारा पीसी होता है तो पीसी में हमारे ग्रीन और पिंक वाले दो आउटपुट होते हैं। ग्रीन हमारा हेडफोन का आउटपुट होता है, तो ग्रीन से ही अपने इसको ऑक्स वायर को लगाएं, एंड इधर अपने ऑक्स से किसी भी वन या टू या जितने भी ऑक्स हैं आपके एम्पलीफायर में उसमें आप लगा सकते हैं। ये एक पी एम्पलीफायर है, तो इसमें हमें अलग से ऑक्स इनपुट मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे MOSFET एम्पलीफायर यूज करेंगे तो उसके लिए हमको मिक्सर की जरूरत होगी। अगर आपको मिक्सर कनेक्शन का वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, एंड आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाता है अपने मिक्सर से लैपटॉप को, या लैपटॉप को मिक्सर में, या पीसी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं और अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। मिलता है वीडियो में, बाय गाइज़।